हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कंजम्पशन सपोर्ट स्कीम बना दी है, बिल्कुल ठीक है। मॉनिटरी फिस्कल, फिस्कल आई एम नॉट श्योर, हो सकता है नीचे कुछ बताओ। फिस्कल में तो टैक्सेस वगैरह आ जाएंगे ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में कोई मेंशन हुआ है? अभी तक तो नहीं मेरे ख्याल से। खैर एक तो मैं दिख रही मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट कम करना, दूसरा आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने कंजम्पशन सपोर्ट स्कीम खोली हुई है कोई, जो कि हमें पहले काफी दिख गई थी, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द परचेजिंग ऑफ हाउसेस। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर अ डेप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक सेड दैट लिमिटिंग द प्राइस राइज वुड नॉट सॉल्व द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। एक डेप्टी गवर्नर है सेंट्रल बैंक के, उन्होंने बोला स्टे वेयर इट इज, इट विल नॉट गेट सॉल्व्ड। व्हाई? व्हिच वाज द लैक ऑफ न्यू प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। असल में जो मसला है वो ये है कि न्यू प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हो रही, पुरानी के ऊपर ही काम हो जा रहा है और वो पुरानी महंगी हो जा रही है। तो जब तक न्यू प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होगी मसला वहीं का वहीं रहेगा। एक मिनट वेट करिए। ओके जी वापस आ गए हम। तो डेप्यूटी डायरेक्टर ने बोला मसला क्या है? मसला ये है भाई कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट न्यू नहीं हो रही, पुराने की काम हो जा रहा है। ही फाउंड इट सरप्राइजिंग दैट द स्टडी चूज टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द डिमांड साइड व्हेन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम वाज वन ऑफ सप्लाई। क्या बात कर दी ना इसने, बात सुनी आपने? इसने बोला ही फाउंड इट सरप्राइजिंग दैट द स्टडी चूज टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द डिमांड साइड। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड साइड ओनली, बट वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन द सप्लाई। सप्लाई साइड प्रॉब्लम को हम डिमांड साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ठीक हो गया, मतलब एटलीस्ट ये डेप्टी साहब ये कह रहे हैं। अब वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वी कैन आर्ग्यू, बट क्या ये वो ये रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट भी आ गए हैं। एन इकोनॉमिस्ट सेड दैट द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन अ गवर्नमेंट कैन मेक इन द हाउसिंग मार्केट इज टू रिलैक्स द प्लानिंग सिस्टम एंड मेक इट इजियर एंड चीपर टू बिल्ड मोर हाउसेस। इन्होंने ये कह रहे हैं भाई कि सबसे इफेक्टिव जो इंटरवेंशन हम कर सकते हैं ना वो ये है कि आप रिलैक्स कर दें प्लानिंग सिस्टम को। प्लानिंग सिस्टम से मुराद क्या है इनका ही थोड़ा सा अनक्लियर है। एंड मेक इट इजियर एंड चीपर, ये तो समझ में आ रहा है। And this, the government is doing this, na? Government is making it easier and cheaper to build more houses. The government is making sure that you do not have to pay a large amount of deposit initially. One that I mentioned kiya tha upar. So economists say this is the best thing you can do. Increased supply leading to lower prices would encourage demand. वो इन्होंने एक और बात कर दी। Increased supply leading to lower prices would encourage demand. ठीक है, मान लेते हैं। Others said that although there is a talk of large rise in the price of houses, it is not uniform throughout the country and trying to influence this demand. The government should not intervene. Kyun aap demand supply ke basic laws ko kharab kar rahe hain? Problem jo hai wo sirf kuch logon ki problem hai. The problem is not a national problem. Puri country ko fark nahi pad raha. Kuch jagahon pe zyada mehenge ho gaye to aap chhod dein. एक और आर्ग्यूमेंट मिल गया आपको। आगे वो क्या कह रहे हैं? The buying of housing gives rise to increased consumer spending and some argue that this helps the economy. The buying of houses gives rise to increased consumer spending. यहां तक तो हम भी मानते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? And some argue this helps the economy. हम भी आर्ग्यू कर सकते हैं, हमें तो आर्ग्यू करना आता है, हम किसी भी चीज को आर्ग्यू कर सकते हैं। Although policies by government and the central bank had increased consumer demand and spending, such expenditure is quite different from the export-led growth model preferred by the government. Isko bhi dobara padhenge hum. Policies by the government and the central bank, kya kiya tha? Humne interest rate kam kiya, humne सपोर्ट दी कंजम्पशन में, इस वजह से स्पेंडिंग बढ़ गई है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, वी वांटेड दैट,
लेकिन वो मसला क्या है, वो कह रहे हैं सच एक्सपेंडिचर इज क्वाइट डिफरेंट, ये डिफरेंट तरह का एक्सपेंडिचर है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल प्रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट एक्चुअली प्रेफर्स द मॉडल व्हिच इज लेड बाय द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट. अगर एक्सपोर्ट की वजह से ग्रोथ हो रही है तो गवर्नमेंट को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि डॉलर आता है, बाहर से पैसा आता है. अब वो क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ रहा होगा, आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी वगैरह वगैरह वगैरह, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, हमें पता है कि एक्स माइनस एम की वैल्यू बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और द गवर्नमेंट प्रेफर्स दिस. एनालिस्ट सजेस्ट दैट डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस कॉजिंग द करंट सिचुएशन कैन नॉट लास्ट फॉरएवर. एनालिस्ट सजेस्टेड दैट डिमांड कॉजिंग करंट सिचुएशंस कैन नॉट लास्ट फॉरएवर. तो ये भी definitely this will not last forever. Things will change. When they end, the effect on the housing market, which by then will have many people and very high debts, will be very bad for the economy. The risk of buying housing and increasing the prices of the same house will end. जब ये सारा मसला खत्म हो जाएगा, इफेक्ट हाउसिंग मार्केट पे, देयर विल बी मेनी पीपल विद वेरी हाई डेट्स. क्योंकि लोग घर खरीद रहे थे, रेंट से खरीद रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट कम तो है बट स्टिल यू आर बोरिंग एंड यू नीड टू पे बैक दैट लोन. पीपल अंडर अ लॉट ऑफ डेट्स आर नॉट वेरी गुड पीपल फॉर द इकोनॉमी. सही ना, वी कैन अग्री ऑन दैट. तो वो कह रहे हैं इकोनॉमी जो है वो उसके लिए बुरा होगा ये. And I think we कभी एक बार बजट का फर्स्ट क्राइसिस पूरी दुनिया में डेट के बड़े भी ये और वैसे उसमें जो था कि आउट डेट ऑफ क्राइसिस ऑफ 2008 अकर्ड एंड हु वर द फ्यू वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली बेनिफिटेड. कुछ लोग मिलियनेयर बन गए उस क्राइसिस की वजह से. उसके लिए जरा बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत वो दे देंगे आपको नॉलेज मूवी के अंदर कि उनको फायदा क्या हुआ. उन्होंने बड़ी लेन की मूवी बना समझाते रहे क्या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं भी आपको तो भी समझ में जरूर देखेगा मूवी. उसमें जो स्टार्ट था ना सारी प्रॉब्लम का, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी दुनिया पे आया 2008 में, वो यही था हाउसिंग मार्केट. हाउसिंग मार्केट इतनी बड़ा मसला है ना कि लोगों ने घर सबको चाहिए, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में भी हाउसिंग मार्केट आ रही है इस वक्त. उसके लिए गो टू रीजन जो होता है दुनिया जहां में वो होता है बैंक लोन. पाकिस्तान में नॉट सो मच बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट का मसला हराम, लेकिन जो लोग करते हैं पर्चे वो भी यूजुअली लोन से ही करते हैं और उनको दिख रहा होता है ना यार कि अगर मैं 1 करोड़ का प्लॉट ले लूं लोन लेके, 5 साल में मैं 1 करोड़ वापस करूंगा, 5 साल में वो प्लॉट 3 करोड़ हो जाएगा. दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इन नॉमिनल टर्म्स. 1 करोड़ का मैं ले रहा हूँ लोन तो इंटरेस्ट मिला के कितना वापस करना होगा. एक should be a good investment, matlab if it has nothing to do with Islam and interest and sood. Lekin hamare liye masla ye hai ki hamari jo economy hai ya log jo hai wo conscious hai sood ke, to itna aam nahi hai yahan pe. Aapko to Pakistan mein jo house building finance milta hai us pe jo interest rate hai that is one of the lowest in the whole world. HBFC ka idara hai, house building finance corporation, I think government ka idara hai ye. Wo jitna us pe interest rate dete hai na house building pe, that is one of the lowest in the whole world. तब भी लोग बहुत कम लेते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आराम है. तो ये हमारी डायनेमिक्स है. लेकिन जनरली यही होता है कि परचेजिंग ऑफ अ हाउस और सब, इतनी बड़ी परचेज के लिए आपको लोन लेना पड़ जाता है दुनिया जहां में. गाड़ी और घर खरीदने के लिए एक सबसे ज्यादा गो टू लोन्स होते हैं. और यही मसला शुरू हुआ था यूएस से, पोलैंड से 2008 में, जब आइसलैंड से, जब ये हुआ कि पीपल वर सो मच इन डेट्स कि दे कुड नॉट give back the value. उनके पास थे ही नहीं कुछ, उनके पास पैसे ही नहीं थे वापस करने को, तो बैंक्स बंद हो गए, बैंक के पास पैसे नहीं थे, वगैरह वगैरह चलता रहा. खैर तो यहाँ पे भी वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, when this will end the effect on the housing market, which by then will have many people with very high debts, will be very bad for the economy. This can be seen in countries such as Spain and the Netherlands, where property values are in decline
प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्लाइन पाकिस्तान में तो हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भी ये हो रहा है दुनिया भर में। उसका रीजन क्या है, डिक्लाइन भी क्यों है, क्योंकि इवेंचुअली दिस इज एंडिंग, दिस होल फियास्को इज एंडिंग एंड पीपल आर लेफ्ट विद टू मच डेट्स। कंजम्पशन कहाँ से करेंगे वो? होपफुली केस समझ में आ गया आपके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स में भी। आइडेंटिफाई टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द आर्टिकल दैट कुड एनकरेज एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। क्या होगा भाई, ये हम आई थिंक इसको हम देख भी चुके हैं, आपने बता भी दिया था। डू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट कुड, अच्छा इट कुड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है ना, मतलब कि जरूरी नहीं कि वो करें लेकिन हो सकता है। टू पॉलिसीज इन द आर्टिकल, तो आर्टिकल से ही बताना है। तो वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी जो आपने की हुई है, इंटरेस्ट रेट कम किया हुआ है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो हमने बात कंजम्पशन को निकाल दें कोई स्पेसिफिक टू द हाउसिंग मार्केट, दिस विल बोथ इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बिकॉज कंजम्पशन बढ़ रही होगी। ठीक हो गया, पार्ट बी देखते हैं। द आर्टिकल स्टेट्स that there has been a marked improvement in the housing market. Using the article and your knowledge, explain how economy might benefit from an improvement in the housing market. पांच मार्क्स का सवाल, और ये ना उन्हें डालना कुछ सकते हैं। आर्टिकल आप यूज़ करना है एंड योर ओन नॉलेज, योर ओन मतलब आपका बस उसने ऑप्शन दे दिया पब्लिक से आप जो लिखना है। Explain how economy might benefit. सबसे इम्पोर्टेंट जवाब छोड़ें, फिर सवाल सुन लें। आप सवाल इतनी बार सुन लें कि आपको पता हो गया यार एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहे हैं, आप जवाब का सोचना शुरू करें। तो वो क्या पूछ रहे हैं इस वक्त एग्जैक्टली, वो पूछ रहा है कि भाई एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमी माइट बेनिफिट फ्रॉम इंप्रूवमेंट इन द हाउसिंग मार्केट, कोट एंड कोट कोट किया उसको उसने इन्वर्टेड कॉमास में। बताएं आप शुरू करोगे ऑडियो में बोलना तो वो अच्छा हो जाएगा, ना आप चैट में ही बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी आ रही आवाज खराब है, यार अगर ये लैग करती रही है ना पूरा, तो अब मैं ये करूँगा कि हम कॉलेज में क्लास लेंगे ही नहीं ऑनलाइन एटलीस्ट। क्या सीन, आवाज आ रही है सही है नहीं आ रही? तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया, वो सुन रहे थे आप लोग या आवाज लैग कर रही थी, क्या हो रहा था? मेरा फायदा नहीं हो कुछ भी। ठीक, तो ठीक है, आपने करना ये कि ये जो मैंने भेजा है आर्टिकल और डेटा रिस्पॉन्स, इसको सॉल्व कर लें आज ही, कल इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, कल इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और अब अगर ऑनलाइन क्लास में मसला हुआ तो बेसिकली ये होगा कि हम इसको शाम में कंडक्ट करें। ठीक है, हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। I love this.